हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं खाटा की राबड़ी, जो हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और गर्मियों में ये राबड़ी बना के खाते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, इससे लू नहीं लगती, जिसको नींद नहीं आती है उसको भी ये राबड़ी खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इस राबड़ी के। तो चलिए दोस्तों, ना देर करते हुए बनाना शुरू करते हैं। राबड़ी बनाने के लिए गेहूं का आटा लिया है। आप बाजरे का आटा भी ले सकते हो, जौ के आटा भी ले सकते हो। तो ये गेहूं का आटा है, ये एक कटोरी से थोड़ा सा कम है, चार लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। ये एक गिलास छाछ का लिया है। एक गिलास छाछ की डाल दी है और ये आटा लिया है, ये आटा डाल देती है और इस आटे को रई से अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मिली ना रह जाए, गुठली ना रह जाए, तो अच्छे से मिलाएंगे ताकि अच्छे से आटा इसमें मिक्स हो जाए। इसी तरह से गोठ लेंगे अच्छी तरह से। जितनी अच्छी तरह से गोठोगे उतनी ही अच्छी राबड़ी बनेगी हमारी। बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से इसमें गुठली ना रहे। ये अच्छी तरह से इसको आटे को इस छाछ में मिला ली है, बिल्कुल भी गुठली नहीं रही है। इसी तरह से इसको मिला लीजिए। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं डालेंगे, हल्का गर्म पानी डालेंगे। पानी डाल के धूप में 3 घंटे के लिए रख देंगे इसको। ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारी राबड़ी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, इसलिए 3 घंटे के लिए ही धूप में ढक के रख देते हैं और 3 घंटे के बाद में इसको बनाएंगे। आप नमक पहले भी डाल सकते हो, मैं नमक इसको बनाते वक्त डालूंगी। तो अब इसको रख देते हैं 3 घंटे के लिए। राबड़ी को धूप में रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं, इसी तरह हो गई है। पानी पानी ऊपर आ जाता है और आटा नीचे रह जाता है। अब चलिए राबड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। अब ये बर्तन ले लेते हैं राबड़ी बनाने के लिए और ये छन्नी ले लेते हैं। इसी में इसी प्रकार से छान लेते हैं। ये पानी पानी छान लिया है, ये आटा नीचे रह गया है, इसको तो साइड में रख देते हैं। इसको गैस पर चढ़ा देते हैं राबड़ी बनाने के लिए और गैस को ऑन कर देते हैं और इसकी एक उबाल आने देते हैं। इस पानी के एक उबाल आ चुकी है अच्छे से। ये बचा आटा है ये डाल देते हैं इसके अंदर और थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। पानी डाल के इसको अच्छे से इसी तरह डाल देते हैं और चम्मच की सहायता से इसको इसी तरह हिलाएंगे। इसमें नमक डालेंगे, नमक नहीं डाला था तो हम टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और इसको हिलाते रहेंगे। जब तक हिलाते रहेंगे इसमें उबाल ना आ जाएगी। यदि हिलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगी, फट जाएगी तो राबड़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ये खड्डी की तरह ही हिलाते रहेंगे अच्छे से, इसमें उबाल आ जाए। इसके उबाल आ चुकी है इसलिए ये राबड़ी बन चुकी है। अब क्या करेंगे हम, गैस की आंच कम कर देंगे और चम्मच को निकाल देंगे। अब नहीं हिलाएंगे इसको, 1-2 मिनट के लिए कम आंच पे पकाएंगे। क्योंकि हमारी नानी दादी कहा करते हैं कि जितनी ही पकाएंगे उसकी उबाल आएगी, जितनी अच्छी तरह से पक के तैयार होगी उतनी ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चम्मच को निकाल लेते, अब नहीं फटेगी। अब हम अच्छे से 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 3 मिनट हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है हमारी राबड़ी, बन के तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। राबड़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। जो गरम गरम खाना चाहते हैं, जिसके लू लग जाती है, अचानक धूप में निकलते हैं नाक में पानी टपकता है, लू लग जाती है, वो गरम गरम राबड़ी पीते हैं तो उस आराम आता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो उसी को ज़रूर पीना चाहिए गरम, और सुबह इसको काम में लेंगे छाछ में मिला के। तो अब इसको ढक के रख देते हैं और सुबह देखते हैं। राबड़ी को रात को बना के रखी थी, सुबह हो गई है। अब हम इसमें छाछ में मिलाएंगे। ये मलाई आ गई है, मलाई साइड में हटा देते हैं, नहीं तो राबड़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी।
बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो साइड में इस मलाई को हटा देती हूँ। सारी मलाई हटा दी है। अब हम एक दूसरा बर्तन लेते हैं और बर्तन में ये राबड़ी निकाल लेते हैं। बर्तन में राबड़ी निकाल लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये छाछ ली है, ये छाछ मिलाएंगे। ठंडी राबड़ी में छाछ मिला के खाने का ही मजा कुछ और होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें छाछ मिला देते हैं। छाछ मिला के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ी पतली कर लेते हैं, काटी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। ये देखो बिल्कुल अच्छी बनी है हमारी राबड़ी। मिक्स कर ली है अच्छे से राबड़ी और छाछ को। अब हम इस बर्तन में निकाल लेते हैं, बर्तन में निकाल लेते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये राबड़ी बना घर पर ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वो खासकर गर्मियों में हमारे राजस्थान में ये राबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप बच्चों को भी पिलाइए, ज़रूर बनाइए घर पर ये राबड़ी। इसके प्याज के साथ खाते हैं, प्याज के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो राबड़ी छाछ में ये प्याज ज़रूर डालिए, ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज भी ठंड करते हैं, वो राबड़ी भी ठंड करती है गर्मियों में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये राबड़ी कैसी बनी है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।